हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहने को तो यह है कि छोटा सा वायरस है, पर ना जाने अपने साथ कितनी भूख लेकर आया है। लाखों लोग ये निगल चुका है और ना जाने अभी कितने निवाले अपने मुंह में डालेगा। दोस्तों, इस वायरस से दुनिया में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और अभी तक किसी भी देश में इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिला। तो क्या हम इस वायरस ने हमें अंधकार ही दिया है? क्या इसका कोई सुखद पहलू भी है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कोरोना का प्रकृति पर क्या असर हुआ है ये हम जानेंगे। शायद कोरोना वायरस का सिर्फ एक यही सुखद पहलू हुआ है, लेकिन इसके लिए इसने ना जाने कितने जीवन लील लिए और लाखों लोग अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं इसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोरोना और प्रकृति। दोस्तों, पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नया कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया। उसके बाद से दुनिया में बिल्कुल सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआत वुहान से ही हुई, जहां पूरे शहर की सबसे पहले तालाबंदी कर दी गई। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। लोग अपने घरों में बंद हो गए। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई और बहुत से संबंध सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हो गए हैं। और ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस से जो प्रदूषण में कमी आई है उसके बारे में जानते हैं। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आजकल कई जगहों पर सवेरे अक्सर नींद अलार्म से नहीं परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज़ भी हम भूल चुके थे। आसमान अजनबी नजर आता है, नीला आसमान। दिल्ली NCR में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार ही देखा हो। फलक पर उड़ते हुए सफ़ेद रुई जैसे बादल बहुत मनोहर और दिलकश लगते हैं। सड़कें वीरान तो हैं, मगर मंजर साफ हो गया। सड़क किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार हैं। सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो सफाई यमुना नदी की नहीं करवा पाई, लॉकडाउन के कुछ दिनों ने वो कर दिखाया। यानी कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से प्रदूषण में काफ़ी कमी आई और यह एक प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इस नन्हे से वायरस ने हजारों लोगों को अपना निवाला बना लिया। इस वायरस ने अमेरिका जैसी सुपर पावर की हालत खराब कर दी है। इन चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया का लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ है। वातावरण धुलकर साफ हो चुका है। हालांकि ये तमाम कोशिशें सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए की जा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, यातायात के तमाम साधन बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, शेयर बाजार की हालत भी खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहाँ प्रदूषण 50% कम हो गया है। इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25% की कमी आई है। चीन के 6 बड़े पावर हाउस 2019 के अंतिम महीनों से ही कोयले के इस्तेमाल में 40% की कमी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में
चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4% का सुधार हुआ है। ये आंकड़े खुद चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए हैं। यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है और फिर ब्रिटेन और स्पेन का भी यही हाल है। दोस्तों ये तो हुआ प्रकृति को वरदान, अब देखते हैं लॉकडाउन जब खुल जाएगा उसके बाद का हाल। कुछ लोगों का कहना है कि महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद है, लेकिन जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगेगी तो क्या ये जो कार्बन उत्सर्जन है फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? स्वीडन के एक जानकार और रिसर्चर किम्बरले निकोल्स के मुताबिक दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इनमें से भी निजी गाड़ियों और हवाई जहाज की वजह से दुनिया भर में 72% कार्बन उत्सर्जन होता है। अभी तो काफ़ी कुछ बंद है, लोग घरों में बंद हैं, ऑफिस का अधिकतर काम भी घरों से हो रहा है, अपने परिवार और दोस्तों को वक्त दे पा रहे हैं लोग। निकोल्स कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत समझे और बेवजह गाड़ी लेकर बाद में घर से निकलने से बचे। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा पर्यावरण के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। वहीं निकोल्स ये भी कहते हैं कि बहुत से लोगों के लिए हर रोज ऑफिस जाना आना और वहां पर काम करना यही उनकी जिंदगी का मकसद होता है। फिर जब कुछ दिनों बाद अब ये जब लॉकडाउन हट रहा है तो काफ़ी लोग घूमने के लिए निकलेंगे, हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत जल्द दुनिया की आबो हवा में फिर से वही जहर घुलने लग जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी महामारी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ हो। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, यहाँ तक कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी ये बदलाव देखा गया था। जर्मनी की एक जानकार जालिया पोगांस का कहना है कि यूरोप में 14वीं सदी में आई ब्लैक डेथ हो या दक्षिणी अमेरिका में फैली छोटी चेचक, ये सब इन सब महामारियों में भी यही कुछ हुआ था। सभी महामारियों के बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफ़ी कम दर्ज किया गया था। उस दौर में परिवहन के साधन बहुत सीमित थे और जब महामारियों के चलते बहुत से लोगों की मौत हो गई तो खेती की जमीन भी खाली हो गई और वहां ऐसे जंगली पौधे और घास पैदा हो गए जिससे गुणवत्ता वाली कार्बन निकली। आज हम मेडिकल साइंस के लिहाज से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लिहाजा उम्मीद यही है कि कोरोना वायरस से उतनी मौत नहीं होगी जितनी की पिछली सदियों की महामारियों में हो चुकी है। इसलिए पर्यावरण में बहुत बदलाव भी संभव नहीं है, बदलाव महज उतना ही होगा जितना कि 2008 और 2009 की मंदी के दौरान देखा गया था। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से उस समय भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। फैक्ट्रियां और ये जो निर्माण क्षेत्र के काम हैं इनसे 18.4% कार्बन उत्सर्जन होता है। 2008-09 की मंदी के दौरान ये उत्सर्जन 1.3% था, जो 2010 में हालात ठीक होने के बाद तुरंत तेजी से बहुत बढ़ गया। जर्मन रिसर्चर जूलिया पोंगार्स का कहना है कि अगर कोरोना वायरस की महामारी इस साल के अंत तक जारी रहती है तो जाहिर है पैसे की कमी के चलते मांग में कमी आएगी और फिर इसका असर कार्बन उत्सर्जन पर पड़ेगा ही। वहीं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के एक अन्य रिसर्चर का कहना है कि 2020 में अगर आर्थिक स्थिति बेहतर हो भी जाती है तो भी कार्बन उत्सर्जन में 0.3% की कमी आएगी ही, बशर्ते उत्पादन कंपनियां स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतित कराया जाना जरूरी है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरह
इसे एक मिशन के तौर पर लिया जाए। ग्रेटा इस मुश्किल समय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में से अपना मिशन आगे बढ़ा रही हैं। पर्यावरण पर इस साल नवंबर में COP26 की मीटिंग स्कॉटलैंड ग्लासगो में होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से 30,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पर्यावरण को बचाने के लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर वे खुद नहीं बदलते हैं तो उन्हें जबरन बदलवाना पड़ेगा, जैसा कि जापान के क्योटो शहर में हुआ था। साल 2001 में यहाँ मोटर वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए और फिर लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। धीरे धीरे फिर लोगों के आदत में यह सब शामिल हो गया और फिर जब दोबारा रास्ते खुले तो भी अधिकतर लोग सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसके लिए सरकारों को सार्वजनिक परिवहन की स्थिति बेहतर करनी होगी। कोरोना वायरस की महामारी से ना जाने कितनों से उनके अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ना जाने कितनों का रोजगार खत्म हुआ है। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी यह भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस महामारी ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर क्यों नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है इस समय का अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि कोरोना वायरस यानी कि एक महामारी जो कि लोगों के लिए काल बनकर आई है, इसने प्रकृति को क्या दिया है। हम हर वक्त पॉल्यूशन में सांस ले रहे थे, कितना पॉल्यूशन था पूरे, और भारत में तो बहुत पॉल्यूशन हो गया था पिछले साल, लेकिन इस साल उस में काफ़ी कमी देखी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये छोटा सा वायरस है इसने प्रकृति को साफ कर दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस वायरस से जल्दी हमें मुक्ति दे और हम लोग आगे भी प्रकृति के प्रति अपनी समझ को बनाए रखें और प्रकृति को और पर्यावरण को साफ रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देते रहें। दोस्तों, ये था हमारा आज का कोरोना और प्रकृति का संबंध पर चर्चा। अगले अध्याय में हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।